प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज शुरू करने के लिए आपकी तरफ से सूचना आई है। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, पर करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा लगे तो कुछ भी नहीं है, पर करने पड़ेंगे बच्चों, अन्यथा वही छोटी सी चीज़ आपको रुला भी सकती है बाद में। नेचुरल नंबर का सेट होता है वन से स्टार्ट, 1 2 3। होल नंबर की बात करो, जीरो और इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 डॉट। इंटीजर्स की बात करोगे तो 0 1 2 3 के साथ -1 -2 -3। रियल नंबर्स की बात करोगे तो इन इंटीजर्स के साथ साथ बीच के नंबर भी सब अंडर रूट 7 भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 2 और 3 बीच में आएगा कहीं ना कहीं। रियल नंबर में सब नंबर्स हैं जो अंडर रूट के अंदर माइनस ना रहा हो और अपॉन में जीरो ना आ रहा हो, बाकी वो रियल है। इट इज रियल नंबर लाइन, जाने कहां से आई, जाने कहां जाएगी। जाने कहां से आई, माइनस इन्फिनिटी, जाने कहां जाएगी, प्लस इन्फिनिटी, बीचो बीच जीरो। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। -3 2 +3, इट इज नॉन एज रियल नंबर लाइन। यहां कोई भी नंबर लोकेट किया जा सकता है। ओके, 10 इज ग्रेटर देन 2। सही है, बिल्कुल ठीक। 10 2 से बड़ा ही तो है, दोनों तरफ माइनस इनटू करो, -10 -2, तब भी क्या सही है ये? -10 ये -2 ये -10 तो बहुत छोटा होगा, उल्टा होगा। इनइक्वालिटीज में इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर इक्वालिटी चल रही है फिर दोनों तरफ माइनस इनटू की जा सकती है, पर इन इक्वेशन वाले साइन चल रहे हैं लेस देन ग्रेटर देन, तो आप माइनस से दोनों तरफ इनटू नहीं कर सकते। करोगे तो ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। पहला पॉइंट, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई ए नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशंस साइन चेंज, नोट कर ले, 2 पॉइंट है। सो निश्चित रूप से 2 से बड़ा है, जरा पलटी मारना, पलटी मारने को रेसिप्रोकल, 1/100 और 1.2 क्या अब भी बड़ा है? नहीं, ये तो आधा है पूरा, किसी रोटी का आधा हुआ, और ये 100वां भाग बहुत छोटा हो गया। रेसिप्रोकल करोगे तो इनका साइन चेंज है। इक्वालिटी चल रही है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर सकते हो, इक्वालिटी रिमेंस मेंटेन, परंतु इन इक्वेशन है लेस देन और ग्रेटर देन, तो रेसिप्रोकल कर देने पर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ऑन रेसिप्रोकलिंग, रेसिप्रोकलिंग ठीक है, कर लेना, एडजस्ट कर लेना, इन इक्वेशन साइंस चेंज। बस ये 2 पॉइंट हैं, कुछ भी नहीं बाकी। कुछ सावधान पूर्वक बातें और जान लें तो कुछ भी नहीं। रियल नंबर लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ए बी से छोटा है, ओके, तो देखिए एक्स बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट, अगर मैं बनाता हूं तो कर्ली ब्रैकेट सेट के बनते हैं, सेट के अंदर इंडिविजुअल नंबर लिखे जाते हैं, तो इसमें ए और बी लिख दिया, तो इसका मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू या तो ए है या एक्स की वैल्यू बी, इन दोनों में से कोई एक है। और इसको शो करने का तरीका, ए को भी गाढ़ा कर दो, बी को भी डार्क कर दो, ये दो ही इसकी वैल्यू हो सकती है,
और इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। x बिलोंग्स टू, अगर छोटा ब्रैकेट बना दिया, स्मॉल ब्रैकेट a टू b, इसका मतलब है x की वैल्यू a और b के बीच के सारे नंबर होंगे, खुद a और b नहीं होंगे। इसका मतलब है x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी होगी, इक्वलिटी नहीं होगी। रियल नंबर लाइन पर a को भी ब्लैंक कर दो और b को भी ब्लैंक कर दो और b से सब नंबर को डार्क, जहां जहां डार्क हो रहा वो से सॉल्यूशन है। ए भी ब्लैंक, बी भी ब्लैंक, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, हाँ बीच के सारे नंबर हो सकते हैं। ओके, एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ए टू बी, इसका मतलब है ए से लेके बी तक बीच के सारे नंबर, मतलब अब ए और बी को भी इंक्लूड कर देना है। x is greater than a and also equal to, and less than b and also equal to, means a को भी dark कर दो, b को भी dark कर दो, बीच के number को भी सब को dark, a से लेके b तक taken also, them also is the solution। आगे पैर बचवा सन साथ 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 साथ, अगर कभी ऐसा है कि ए ब्लैंक है बी डार्क है तो क्या करोगे, इसे लिखने का तरीका एक्स बिलोंग्स टू ए को नहीं लेना, स्मॉल ब्रैकेट मतलब उन्हें नहीं लेना, पर बी को लेना था, ठीक है, जो लेना हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दो और जो नहीं लेना उसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कर दो, बस दैट्स ऑल। चूंकि एक वीडियो में इस पूरी इक्वेशन का काम चल जाएगा, इसलिए एक बात और जान ले वीडियो में ही, x माइनस a और x माइनस b इक्वल टू अगर जीरो है for a is less than b, तो इसका a की मतलब है x या तो a के को ले या b के, x is equal to या तो a या तो curly brackets, ठीक है, और real number line में या तो a या x माइनस ए एक्स माइनस बी अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो सोचिए जरा प्यारे बच्चों, अगर x a और b दोनों से छोटा होता x माइनस ए भी नेगेटिव आता, x माइनस क्योंकि a b से भी छोटा है और a से भी छोटा है तो ये भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता और नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता, लेस देन जीरो ना लेस देन जीरो आगा, यानी एक्स वैल्यू यहां नहीं हो सकती। अगर ए और बी दोनों से बड़ी होती ये होता है एक्स माइनस ए भी पॉजिटिव आता, ये पॉजिटिव आता, प्रॉड भी पॉजिटिव आता, लेस देन जीरो ना आता, यानी एक्स यहां भी नहीं हो सकता। बीच में देखिए, बीच का मतलब ए से बड़ा है एक्स और बी से छोटा है, तो एक्स माइनस में पॉजिटिव आ जाएगा एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस बी, बी बड़ा है उससे, ये नेगेटिव आ जाएगा, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट वाकई लेस देन जीरो है, इसका मतलब एक्स ए और बी के बीच में है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और बी के बीच में। अब इक्वलिटी आती तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता, फिर उसकी वैल्यू ए और बी भी हो सकती थी, क्लियर। ए नहीं है बी नहीं है बाकी सब, ठीक है, इक्वलिटी आ जाएगी, ए और बी के इक्वल भी हो सकता है तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, वो समझ चुके हैं।
एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है। तो आपने देखा जो इधर था जब उधर तक तब आ रहा ग्रेटर देन जीरो, यानी इसका मतलब है x belongs to, इसके बीच में नहीं है, या तो दोनों से छोटा है या दोनों से बड़ा है। अगर दोनों से छोटा होता तो वहां माइनस इंफिनिटी से लेके a तक हो सकता था, एक इक्वलिटी होता तो स्क्वायर ब्रैकेट ले जाएगा और इक्वल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लेगा यूनियन, और b से बड़ा हो सकता है, b से लेके इंफिनिटी तक, इनफैक्ट तो हमेशा ही स्मॉल ब्रैकेट में ही आएगा, और b अगर इक्वलिटी होती तो b स्क्वायर ब्रैकेट में जाता, इक्वलिटी नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, यहां से इनमें हो सकता है या इसमें हो सकता है, दोनों कहीं भी हो सकता है, बीच में नहीं। ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, या तो दोनों से छोटा या दोनों से बड़ा। यहां एक बात स्टेटमेंट में याद रखना कि अगर दो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव लेस देन जीरो, तो उसकी वैल्यू उन दोनों के बीच में होगी, ये ध्यान रखें बस। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज लेस देन जीरो, देन एक्स डेफिनेटली लाइज बिटवीन ए एंड बी, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो फिर इनके बीच में नहीं है, या दोनों से छोटा या दोनों से बड़ा। ये है पूरी इन इक्वेशंस के महत्वपूर्ण नोट्स, बिल्कुल इजी। जब आप ये नोट्स तैयार कर लोगे इसके ऊपर चिंतन करना पहले कि हाँ सब चीज समझ में आ गई, तब स्टार्ट करना, कभी बेगुप होगी इतने स्टार्ट कर दो बस, आंसर नहीं आ रहा तो दूसरे कर दे, आंसर आ किससे आंसर आ गया चले आता, फिर आपको मेरे से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तसल्ली कर लो हर चीज की तब आगे बढ़े। ओके क्वेश्चन देख लें, वीडियो को दोबारा देख के इसके नोट्स तैयार कर लें, ये आपको एट ए टाइम दोबारा नोट्स को देखने की जरूरत स्वाभाविक पड़ जाएगी, फिर आप वीडियो नहीं ढूंढ पाओगे। जो बुक मेरे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स, रियल नंबर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए गिवन इन इक्वेशन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स, ठीक है माइनस एक्स दोनों तरफ माइनस एक्स इंटू कर दो, ये प्लस एक्स है वो माइनस एक्स है, अभी होता है माइनस से इंटू करते ही इन इक्वेशन साइन चेंज हो जाएगा और ग्रेटर देन का अब लेस देन, यानी एक्स की वैल्यू माइनस छ से छोटी है, जीरो लेफ्ट एक दो तीन चार पाँच छ, यह माइनस इक्वलिटी भी नहीं है यानी ब्लैंक छोड़ दो और इससे छोटा है ये, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस छ तक, माइनस छ इक्वल नहीं है तो स्मॉल में, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल सिंपल है एकदम, हद से ज्यादा सिंपल है, और बताता हूं एक अदर सेकंड का ए बार गिवन इन इक्वेशन थ्री एक्स माइनस सेवन इज ग्रेटर देन फाइव एक्स माइनस वन, इधर से उधर उधर से इधर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस इधर जाके प्लस बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनटू करने में दिक्कत है, डिवाइड करने में दिक्कत है। जब आप इनटू या डिवाइड किसी पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं तो इन इक्वेशन साइन वही रहेगा, पर नेगेटिव से इनटू डिवाइड करते ही इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल करते ही दोनों तरफ का इन इक्वेशन साइन चेंज हो जाएगा। ओके तो इसे ऐसे रहने दो 5x और ये 3x हो जाएगा माइनस का 3x और इस साइड माइनस सेवन और ये माइनस में जाएगा प्लस वन, वन माइनस सेवन माइनस सिक्स और 5x माइनस 3x 2x,
टू से डिवाइड कर सकते हो, माइनस टू से नहीं, टू से डिवाइड कर सकते हो, माइनस थ्री एक्स, माइनस टू से देते तो सेंशन जाता, ग्रेटर देन हो जाता, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता, एक्स इज लेस देन माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री से छोटा है, माइनस थ्री से छोटा माइनस फिफ्टी तक, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस फिफ्टी से लेके माइनस थ्री तक, ये आंसर है। इक्वलिटी आती है तो माइनस थ्री इक्वलिटी भी हो सकता था, माइनस थ्री स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाता, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप इसको धड़ाक से शुरू कर दो, धड़ाक से उड़ा दो, मजबूत कॉन्फिडेंस जगा दो अपने अंदर, और इन क्वेश्चन इस लेक्चर को सुन लेने के बाद हंसी खेल जानी चाहिए, पर अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, खतरनाक प्रैक्टिस करो बच्चों लेके, और प्रॉब्लम डाल दो ग्रुप में जो नहीं आ रही है, और बस ठीक है, बाकी मैं व्हाट्सएप पे वॉइस डालूंगा, उससे कम चलेगा। ओके बच्चों, जय हिंद।